बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आपका इंतहाई खबर से आगाह करते हैं कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के अमीर अलम सआद हुसैन रिज़वी साहब ने ये जो तेल की प्राइस में इजाफा किया गया, इस पर अपने अगले लह अमल का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हमने सोचा था कि ये हुकूमत होश के नाखून लेगी और ये जो प्राइस है, यानी पहले अगर 5 रुपये कम किए थे तो अब 11 रुपये, लेकिन उन्होंने वो 5 भी बढ़ाए और इसके ऊपर 13 और भी बढ़ा दी। लिहाजा जिस तरह से बदर रमज़ान में हुआ था, तो फिर सोच लिए कि ये मैदान भी अब रमज़ान में लगेगा। तो आइए सबसे पहले आपको वो वीडियो क्लिप सुनवाते हैं। असा क्या शायद बन जाओगे वो, तो को तो बर्गर नहीं संभाले जा रहे हैं। जे लबैक आले आ गए तो घरों इस्लामाबाद निकलना पै जाएगा। अजय रमजान शरीफ की आमद आमद सी, असी क्या शायद तुसी कोई 5 तो 11 तक दे फिगर ते आओगे, पेट्रोल ना कोई जनाब गरीबा ना सोचोगे, लेकिन तुसी आन तो पहले ही दोबारा अपनी बदमाशियों ते उतर आयो। ए याद रखना, सानू साढ़े बड़े दस के गए कि यौम उल फुरकान यौम बदर भी फिर जनाब रोजे च होया, ए ना होवे फिर तुहाडा साडा जनाब पेड़ भी रोजे च पवे। तो नाज़रीन, ये था वो वीडियो क्लिप जो आप लोगों के साथ शेयर किया गया, आपने मुलाहिज़ा फरमाया, जिसमें तहरीक लबैक पाकिस्तान के अमीर अलम सआद हुसैन रिज़वी साहब ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा कि अब आपकी बारी ख़त्म और अब हमारी बारी शुरू है और बर्गर तो आपसे संभालने जा रहे, अगर हम इस्लामाबाद आ गए तो फिर याद रखिएगा आपको इस्लामाबाद से निकाल कर ही दम लेंगे। ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।